हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इसी वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं रीडक्स प्रोजेक्ट विद एपीआई। गिटहब की प्रोफाइल का डेटा हमने फेच करना है, लेकिन विद रीडक्स। ये आई थिंक हमारा पहला प्रोजेक्ट होगा रीडक्स के साथ एपीआई का। विदाउट रीडक्स हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए क्रिएट किए हैं, लेकिन आज हम क्रिएट करेंगे गिटहब का प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल सर्च करूंगी, आपने अपने गिटहब का नाम सर्च करना है। सर्च पे क्लिक करके मुझे मेरा डेटा यहाँ पे दिखेगा, फॉलोअर्स वगैरह कितने हैं, रेपोस कितनी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम उनकी प्रोफाइल पे पहुंच जाएंगे। यही डेटा हम आज फेच करना सीखेंगे रीडक्स के साथ। ये हमारा प्रोजेक्ट रहेगा एपीआई का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को। सबसे पहले हमें एक चाहिए सर्च बार, तो हम एक नया कॉम्पोनेंट क्रिएट करते हैं, ओपनली क्रिएट करेंगे, कोई फोल्डर नहीं, इसका नाम हम सर्च रख देते हैं। यहाँ पे आके इसको ऐड कर दो ऐप डॉट जेएस पेज पे, इंपोर्ट कर लो सर्च को फ्रॉम सर्च। यहाँ पे आना है आपने, जिसके अंदर हम नाम टाइप करेंगे। इस इनपुट फील्ड के ऊपर आपने एक वैल्यू ऐड करनी है। ये जो वैल्यू हम रखेंगे, कोई भी नाम देना है, तो मैं इसका नाम यूजर नेम रख देती हूँ। एक इसके ऊपर बनेगा ऑन चेंज, तो इसका नाम ऐसे ही रख देते हैं। ये नाम आपने कोई भी रखना है। एक स्टेट क्रिएट करनी है, कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं यूजर नेम, सेट कर दो यूजर नेम को। इसके बीच हम लगा देंगे ब्लैंक। अब जहां पे एक लगाएंगे बटन, इसका नाम या तो इसको हम कैपिटल में कर देते हैं, या इसको स्मॉल में ऐसे कर देते हैं। अब सही है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है वो वहां से आएगी जो हमने एक वेरिएबल बनाना है। एक लगेगा बटन, बटन के ऊपर आपने एक बनाना है टाइप सबमिट। अगर हमने टाइप सबमिट बनाई है, तो इसका मतलब एक फॉर्म लगेगा। तो हम जहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, इस इनपुट फील्ड को इसके बीच लगा देते हैं ऐसे, फॉर्म के बीच, क्योंकि डेटा हमने सबमिट करना है। जो फॉर्म है इसके ऊपर बनेगा ऑन सबमिट, इसका नाम हम रखेंगे हैंडल सर्च। बस अब सारा काम इसका होगा। तो हम इसको जहां पे करते हैं डिफाइन, कॉन्स्ट हैंडल सर्च, एक ई पास कर दो, क्योंकि हमने ई के साथ वैल्यू फेच की है। क्या करेंगे हम यहाँ पे, एक ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट पहले लगाते हैं, ये जरूरी है। इफ, इफ का मतलब अगर यूजर नेम फिल किया है, मेरे पास जो इनपुट फील्ड है ना, अगर आपने इसके अंदर कोई ना कोई यूजर नेम फिल किया है, तब हमें आउटपुट दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखनी। ये वाली जो एरर है वो चली जाएगी। यहाँ पे एरर है, एरर है मेरे पास, इधर हमने कुछ लिखा नहीं है, तो डिव लगा के छोड़ देते हैं। अब हमारे पास कोई एरर नहीं रहेगी, अब सही है। ठीक है, अभी जो मेरे पास आउटपुट नहीं आ रही, हमने कुछ डिफाइन नहीं किया, इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे। अभी मेरे पास आउटपुट आएगी भी नहीं, तो मैं इसको ऐसा करती हूँ, यहाँ पे आके ये वाला सर्च लिखा है ना, इसको अभी तक हमने रेंडर नहीं किया, तो यहाँ पे आके सर्च लगा दो। अब हमने जो भी क्रिएट किया है यहाँ पे शो होगा। ये ऐसा दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे सीएसएस ऐड की है, इसका कोई काम नहीं है सीएसएस का, वो पहले से मेरे पास बनी हुई है। इसके ऊपर हम सर्च लिख देते हैं। यहाँ पे आपने कोई भी नाम टाइप करना है, सर्च पे क्लिक करेंगे आपको डेटा मिल जाएगा। बस यूजर प्रोफाइल हमें गेट करनी है। अब यहाँ पे आएंगे, इसका मतलब है अगर हमने इनपुट फील्ड के अंदर कोई यूजर नेम फिल किया है, तब हमें आउटपुट शो होगी। आउटपुट कैसे बनानी है, यहाँ पे हम रीडक्स यूज कर रहे हैं, तो एक डिस्पैच लगेगा। डिस्पैच, डिस्पैच के बीच हम एक नाम देते हैं, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, फैच यूजर। किसको फैच करना है, मैंने यूजर नेम को, ये वाला हमारा वेरिएबल है। जहां पे आना है इधर, इंपोर्ट यूज डिस्पैच फ्रॉम रिएक्ट रीडक्स, इसको डिफाइन कर दो। यहाँ पे एक कॉन्स्ट क्रिएट करो डिस्पैच नाम से, यूजर डिस्पैच को इसके बीच रख दो। अब इस वेरिएबल को हम डिस्पैच की तरह यूज कर सकते हैं। डिस्पैच सिलेक्टर ये सब मैंने पहले ही करवाया हुआ है आपको। रीडक्स हमारे पास ये हो गया रेडी, ये इसका काम खत्म हो गया। अब इसको भी हमने डिफाइन करना है, जो हमने ये डिस्पैच फेच यूजर बनाया है, इसको डिफाइन करेंगे। लेकिन पहले इम्पोर्ट कर लो, इम्पोर्ट करना है फेच यूजर को, कहाँ से, फ्रॉम, इसके अंदर हम यूज करेंगे। कोई फोल्डर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऑथ स्लाइस नाम दे देते हैं, चलो पेज बनाना है एक बेसिकली।
यही पेज होगा, कॉपी कर लो। यहाँ पे आके ओपन लीजिए, पेज क्रिएट कर दो। ये हो गया हमारे पास पेज। एक तो ये हमारे पास होगा। ऑथ स्लाइस के पहले हम एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, इसका नाम हम प्रोफाइल रखेंगे, जिधर जाके हमें डेटा शो होना है। जो डेटा हम फेच करेंगे ना, वो इस पेज पे आके शो होगा। बस इसको आपने डिफाइन करके छोड़ देना, बाकी हम काम बाद में करेंगे। पहले हम ऑथ स्लाइस पे चलते हैं, इंपोर्ट कर लो। क्रिएट करना है हमने स्लाइस को, हमेशा स्लाइस पहले क्रिएट की जाती है। एक साथ में हम क्रिएट करते हैं असिंक, असिंक थंक यूज करेंगे। ये थंक हमारे पास पहले, हमने इसको यूज नहीं किया, पहले इसको लगा देते हैं। ऐसे हम लगाते हैं, थंक कहाँ पे यूज होगा बाद में देखेंगे। एक्सपोर्ट यूज करते हैं, कॉन्स्ट क्रिएट कर लो एक ऑथ स्लाइस नाम का, ये नाम कुछ भी हो सकता है। पहले तो इसको क्रिएट करना है, क्रिएट स्लाइस। इसके बीच अभी हम थंक क्रिएट करेंगे, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी थंक, असिंक थंक आएगा। तो ये वाला जो वेरिएबल है इसको कॉपी करना है, यहाँ पे रखेंगे। इसके बीच थंक क्रिएट करना है तो एक नाम दो यूजर, फेच यूजर। ये आप वाली हमारी एक एपीआई है, एपीआई जो हम यहाँ पे ऐड करके आए हैं। फेच यूजर फिलहाल मैंने नाम दिया है। ये वाला हमारे पास एक यूजर, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर दिया, यूजर एपीआई ये होगी। ठीक है, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं इसका। एपीआई क्रिएट होगी, असिंक लगेगा। अब जहाँ पे ये क्रिएट असिंक थंक तभी आपने क्रिएट करना है जब हम किसी प्रोजेक्ट के अंदर एपीआई यूज करते हैं। तो हो सकता है आपको इंटरव्यू में भी पूछे कि हमारे पास असिंक थंक क्यों यूज होता है। अब मुझे पता है मैंने गिटहब से प्रोफाइल गेट करनी है, विदाउट एपीआई तो होगा ही नहीं। उनकी एपीआई यूज करके हम डेटा अपनी वेबसाइट पे शो कराने वाले हैं, इसका मतलब मुझे यहाँ पे असिंक थंक की जरूरत पड़ेगी। असिंक्रोनस यहाँ पे यूज करेंगे। किसको गेट करना है? यूजर नेम को। ये वाला जो यूजर नेम है वहां से आएगा, जो हमने इधर डिफाइन किया था, तो वो वाला जो यूजर नेम है यहाँ से जाएगा। ठीक है, यूजर नेम, बस ये वाला जो यूजर नेम होगा इसके बीच आपने ऐड करना है आगे। इसका एरो फंक्शन क्रिएट कर दो, एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, एपीआई यहाँ पे आनी है। एक नाम दो इसको रिस्पॉन्स, अवेट लगाएंगे साथ में। अवेट के बीच हमारे पास एक्सियोज यूज होगा। अब यहाँ पे एक्सियोज हम यूज करें क्योंकि हमने एपीआई लगानी है, तो पहले तो इसको इंपोर्ट करो एक्सियोज से, और यहाँ पे आ जाओ। गेट करना है क्योंकि डेटा वहां से हमने गेट करना है, पोस्ट नहीं करना, तो गेट लगेगा। ये वाला सिंपल प्रेस करना। HTTPS, जिनकी एपीआई है वो बस, बहुत ही कॉमन एपीआई है, api.github.com। उनकी वेबसाइट का नाम बस लिखना है, वहां से क्या हमें चाहिए, जो डेटा चाहिए, यूजर्स, हमें यूजर्स की प्रोफाइल चाहिए, कौन से यूजर की, जो यहाँ से हम नेम टाइप करेंगे, यूजर नेम। आप एक यूजर की प्रोफाइल गेट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं आपने अपने नाम से गेट करनी है तो आप अपना नाम लिख दो, सिर्फ आपको अपनी प्रोफाइल दिखेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई यूजर हमारी वेबसाइट पे आके नाम सर्च करे, उसी अकॉर्डिंग हमें प्रोफाइल दिखेगी, तो इसका मतलब हमें जहाँ पे अपना वेरिएबल पास करना है। वेरिएबल पास करने के बाद आपने इसको लास्ट में जाके रिटर्न कर देना है। रिटर्न करो रिस्पॉन्स को, क्योंकि रिस्पॉन्स में हमारे पास डेटा आएगा, तो बस इसको रिटर्न कर दो। इस एपीआई से जो भी हमें यूजर चाहिए वो हमें यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर मिलेगा, इसको बस प्रिंट करा दो, रिटर्न कर देगा ये डेटा। एक कॉन्स्ट क्रिएट करो, यूजर स्लाइस, ये वाला यूजर स्लाइस नाम एक देना है कुछ भी, यहाँ पे इसको क्रिएट करो, क्रिएट स्लाइस। एक नेम चाहिए, नेम होगा कौन सा, जो यूजर हमने डिफाइन किया है। इनिशियल वैल्यू, इनिशियल स्टेट जिसको बोलते हैं, क्योंकि हम रीडक्स यूज कर रहे हैं। एक यहाँ पे आएगा, ये कुछ कीवर्ड है हम यहाँ पे लिखेंगे, लोडिंग फॉल्स कर देंगे इसकी, और जो एरर होगी अगर कोई एरर आए उसको नल कर दो। एपीआई से डेटा आ गया ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू ये डिफाइन करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे हम ऐड करेंगे रिड्यूसर्स। रिड्यूसर्स के बीच एक ऐड करेंगे, कोई भी नाम देना है, इसका नाम हम एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स रखेंगे। इसके बीच वैल्यू आएगी, एक पैरामीटर पास करना है बिल्डर नाम का, जहां पे हम बनाएंगे एक बिल्डर। ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा एपीआई के साथ रीडक्स में,
वैसे तो हमने पता नहीं कितने 50 तक हमारे पास मैक्सिमम प्रोजेक्ट होंगे एपीआई के, लेकिन हमने रीडक्स के साथ नहीं क्रिएट किया, इसीलिए जहाँ पे इसको समझना आपके लिए थोड़ा सा नया है। जहाँ पे मैं एक बिल्डर क्रिएट कर रही हूँ, ये हमारे पास रिड्यूसर के अंदर होता है। इसका काम क्या होता है, पहले आपने बिल्डर लगाना है, इधर एड केस नाम एक ऐड कर देते हैं हम, किसको फैच करना है। तो मैं जहाँ पे अपना वो एपीआई लिखूंगी जो मैंने फ्रंट एंड पे लिखी है, फैच यूजर। अब जो भी हमारे पास मेन काम सारा इस फंक्शन का है, जब कोई बंदा क्लिक करेगा बटन पे ये फंक्शन वर्किंग में आएगा। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने ये मेन बनाया है, हमें फैच करना है डेटा, तो इसी को हम यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर लिखेंगे। रिड्यूसर के अंदर हमेशा वर्किंग कोड लिखा जाता है जो मेन वर्किंग होती है। तो यहाँ पे मैं ऐड केस कर रही हूँ, ऐड केस मतलब मुझे यहाँ से डेटा चाहिए पेंडिंग, जो कीवर्ड है अगर पेंडिंग है, स्टेट जहां पे हम लिखेंगे स्टेट डॉट लोडिंग ट्रू, अगर डेटा आ गया सही है, अगर डेटा नहीं आएगा वहां पे लोड होगा, मतलब मेरे पास वहां पे रिफ्रेश होता रहेगा अगर डेटा नहीं आया बाय चांस। देन डॉट एड केस, जहां पे हम फैच करेंगे, फैच करना है यूजर डॉट, इधर हम लिखेंगे फुल फील्ड। फुल फील्ड का मतलब है एक साथ में स्टेट होगा एक एक्शन होगा। अब ये हम रिड्यूसर के साथ है, एक्स्ट्रा रिड्यूसर क्रिएट कर रहे हैं, मतलब अगर डेटा नहीं मिला जे कोड चलेगा, अगर डेटा मिल गया तो जे कोड चलेगा। बस जैसे हमारे पास एरर लगाते हैं ना, ट्राई कैच होता है, सेम वही मेथड है। अगर हमारे पास कोड सही चल पड़ा तो जे वाला वर्क करेगा, कोड नहीं चला तो जे वर्क करेगा। और एक्शन के बीच हम इसको पास करते हैं स्टेट डॉट लोडिंग, लोडिंग को हम फॉल्स कर देंगे क्योंकि पहले हमने लोडिंग को ट्रू किया था, अगर डेटा नहीं मिला वहां पे लोड होता रहे, अगर डेटा मिल गया लोडिंग को खत्म कर दो। स्टेट डॉट डेटा, वहां से डेटा आ गया। एक्शन डॉट पे लोड, एक्शन डॉट पे लोड हमेशा वहां पे लगता है जब हमारे पास आउटपुट आ जाती है। एपीआई से डेटा नहीं मिलेगा जे कोड चलेगा, आपकी लोडिंग होती रहेगी, बफरिंग होती रहेगी। अगर डेटा मिल गया यहाँ से हमें डायरेक्ट डेटा प्रिंट करा देंगे जी। एड केस, यहाँ पे हम लगाएंगे फैच यूजर रिजेक्ट, रिजेक्टेड एक कीवर्ड होता है, स्टेट डॉट एक्शन या स्टेट एक्शन, दो कीवर्ड पास करेंगे हम। अब ये क्या काम करेगा, स्टेट डॉट लोडिंग, लोडिंग को ये फॉल्स कर देगा। स्टेट डॉट पहले लगा देते हैं इसको एरर, एक्शन डॉट एरर, ये हमारे पास कोड तब चलेगा अगर हमारे पास डेटा तो आ रहा है, सारा कोड हमारा सही है, एपीआई वर्क कर रही है, लेकिन हमारे पास एरर एरर भी नहीं है, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो है, जो उनकी एपीआई बिजी है, कोडिंग में हमारे पास कोई इश्यू नहीं है, वहां पे बस बफरिंग हो रही है बार बार। हो सकता है एपीआई बिजी है, उनकी वेबसाइट पे ज्यादा लोड है, या मेरा इंटरनेट स्लो है, वहां पे बफरिंग होती रहेगी। लेकिन अगर यहाँ से सब कुछ सही है तो जे कोड चलेगा, अगर कोई एरर है तो एरर को हैंडल करेगा जे, हमें एरर मैसेज प्रिंट करा देगा। बस लास्ट में जाके एक्सपोर्ट करो, डिफॉल्ट यूज स्लाइस नाम इसको दे देते हैं, यूज स्लाइस, यूजर स्लाइस डॉट रेड्यूसर, ये हो गया हमारे पास रेडी रेड्यूसर। अभी हमने एक स्टोर क्रिएट करना है, एक इसको नाम दो स्टोर, स्टोर के बीच तो छोटा सा बस कोड लगाना है हमने, इंपोर्ट कर लो, कॉन्फ़िगर करना है पहले तो हमने स्टोर को रीडक्स टूल किट से, इंपोर्ट करो यूजर रिड्यूसर फ्रॉम, अभी जो हम क्रिएट करके आए ना उसको इंपोर्ट करना। कहाँ पे क्रिएट किया है, मैंने ओपनली क्रिएट किया है, ऑथ ऑथ स्लाइस के बीच क्रिएट किया है उस पेज का नाम बस। अभी जहां पे जो मैंने लिखा है इसको हम बंद कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। स्टोर पे आके ये यूजर रिड्यूसर लिखा ना, ये नाम आप अपनी तरफ से रख सकते हैं, रिड्यूसर का नाम होगा। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे स्टोर, कॉन्फ़िगर स्टोर, हमने जहाँ पे रिड्यूसर को डिफाइन करना है यूजर की तरह, यूजर रिड्यूसर। बस अब आपने जो ध्यान देना है वो ये है
ये वाला जो यूजर मैंने डिफाइन किया ना, इसी को हमने यहाँ पे यूज किया है। ये देखो, ये दोनों मैच करने चाहिए, बस यही मेन है। जो भी आप इसको नाम देते हैं ना, बस उसी को हम यहाँ पे स्लाइस के अंदर यूज करते हैं। तो हमारे पास स्टोर रेडी हो गया, इसको एक्सपोर्ट कर दो। डिफॉल्ट स्टोर ये हमारे पास हो गया रेडी कोड। अगर मैं यहाँ पे आके, अभी मेरे पास एरर है, एरर चेक करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे लगाया भी नहीं है। तो ऐसा करते हैं, पहले स्टोर को इधर लगा देते हैं, क्योंकि जब भी हम स्टोर यूज करते हैं पहले हमने इसको इंपोर्ट करना होता है। ऐप डॉट जीएस पेज पे करेंगे, स्टोर फ्रॉम ओपनली है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे स्टोर नाम लिखूंगी पेज का। इंपोर्ट किया जाता है प्रोवाइडर को, रीडक्स से यहाँ पे प्रोवाइडर लगा दो। इसको उठा के पूरी एप्लीकेशन यहाँ पे रैप कर दो। यहाँ पे एक नाम देना है, स्टोर स्टोर। अभी मेरे पास आउटपुट आ जानी चाहिए, एरर देखते हैं। अभी जो हमारे पास एरर आ रही है, फेच यूजर्स को मिल नहीं रहा सर्च वाले पेज पे, क्योंकि सर्च वाले पेज पे हमने ऐड किया है फेच यूजर। इंपोर्ट करना है हमने ऑथ स्लाइस पे, तो इसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया। यहाँ पे मैंने ऑथ स्लाइस लिखा ना, इधर हमारे पास फेच डिफाइन ही करेंगे तो हमारे पास आउटपुट नहीं आनी। अब सही है, इसको हम कर देते हैं बंद। यहाँ पे आके पहले सर्च करते हैं, तो मैं अपनी प्रोफाइल यहाँ पे सर्च करूंगी ऐसे। आपने अपने प्रोफाइल का नाम लिखना है। अब मेरे पास डेटा आया कि नहीं वो हमें नहीं पता, तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रोफाइल वाला पेज क्रिएट करेंगे, ये वाला। इसको पहले ऐड करो ऐप डॉट जीएस पे। इंपोर्ट करना है प्रोफाइल फ्रॉम प्रोफाइल से, इसको यहाँ पे कर दो रेंडर। अब प्रोफाइल के बीच जस्ट हमने अपना डेटा प्रिंट कराना है, तो हम ज्यादा इसको डिजाइन नहीं करेंगे। अब रीडक्स के अंदर हमारे पास दो मेन कंटेंट होते हैं, एक होता है यूज डिस्पैच, एक होता है यूज सिलेक्टर। सिलेक्टर मेरा यहाँ पे लगेगा प्रोफाइल के बीच, क्योंकि इसने डेटा सिलेक्ट करके लेके आना है वहां से। हम यहाँ पे यूज करेंगे यूज सिलेक्टर। कहाँ से यूज करना है, इसको लगाएंगे हम रिएक्ट रीडक्स से। बस इतना लिखना है, हमारे पास सिलेक्टर आ जाएगा। इधर आना है आपने, एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं। कॉन्स्ट क्या क्या यूज करेंगे, एक मुझे डेटा चाहिए, एक लोडिंग। ये हमने वेरिएबल पहले से डिफाइन किए हुए हैं। एक होगी एरर, डेटा होगा डेटा मिल जाएगा, नहीं डेटा होगा मतलब कोई हमारे पास इंटरनेट इशू है या एपीआई इशू है तो लोडिंग होगी, कुछ भी नहीं है तो एरर आएगा। देन यूज सिलेक्टर, इसको हम लगाएंगे स्टेट के साथ। स्टेट के साथ जो मेरे पास स्टेट होगी, स्टेट डॉट यूजर, कौन सी स्टेट है, तो ये यूजर हमने इसको बताना है। यूजर हमने डिफाइन किया है यहाँ पे, हमें यहाँ से डेटा चाहिए कौन सा, ये वाला बस। और ये हो गया हमारे पास स्टेट। इफ ये तीन कीवर्ड हम लगाएंगे, अगर लोडिंग है तो मुझे एक वहां पे मैसेज लिखा नजर आया रिटर्न में, एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करा दो पैराग्राफ में लोडिंग। अगर लोडिंग नहीं है, एरर है, इफ एरर, अगर एरर है तो हमें ये रिटर्न कर दे एक एरर। अगर कुछ भी नहीं है, इफ नॉट डेटा, इसका मतलब है वहां से कोई डेटा है ही नहीं, मैं गलत इंफॉर्मेशन फिल कर रही हूँ, कोई यूजर नाम मैं एंटर कर रही हूँ, वो नाम से कोई प्रोफाइल बनी नहीं, तो हमें ये वाला मैसेज ही दिखेगा कि वहां पे ये है ही नहीं यूजर। अब इसको बस प्रिंट करा दो। एक उसकी इमेज चाहिए, तो इमेज हमने वहां से लेके आनी है, तो सोर्स क्या होगा, सोर्स वो होगा जो वहां से डेटा आएगा। अब वहां पे उस इमेज को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये कीवर्ड अपनी तरफ से नहीं लिखना, उनकी वेबसाइट से है ये वाला कीवर्ड, तो इसी के साथ हमें इमेज मिलेगी। और साथ में एक अर्ट टैग लगा के डेटा डॉट लॉगिन लिख देते हैं। जो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हाइट विड्थ हम लगा सकते हैं इसकी 150, जो इसकी हाइट विड्थ चाहिए इमेज की। तो पहले हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है, तो एरर को हम चेक करते हैं क्यों है। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं,
इसको करते हैं रिफ्रेश। यहाँ पे क्लिक किया, सर्च किया, कोई डेटा नहीं आया तो एरर आ रही है। हमारे पास एरर तो नहीं आनी चाहिए। स्पेलिंग गलत है पहले तो इसके, ऐसे आना क्योंकि जे वाला कीवर्ड हमने इधर मेंशन करना है। जे वाला और जे वाला दोनों मैच होने चाहिए। अब आया नो डेटा, ठीक है। तो मेरे पास, मैं नाम भी चेक कर लेती हूँ, रिफ्रेश किया, ये है मेरी प्रोफाइल का नाम, नो डेटा। चलिए अब चेक करते हैं डेटा क्यों नहीं आ रहा। एपीआई पे चलते हैं, एपीआई हमारे पास बिल्कुल सही है। हमारे पास जो इश्यू आ रहा है ना, इधर से है, रिड्यूसर्स ने हमारे पास डेटा लेके आना है, तो इसको हम यहीं पे बंद कर देते हैं। हमारे पास ये सिंटेक्स एरर है, और लास्ट में जाके एक ब्रैकेट हटा दो। बाकी सब सही है। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, फुल फील्ड ऐसे ये कीवर्ड होता है। फुल फील्ड का मतलब है ये हमारे पास रिड्यूसर्स काम करेंगे सारे, एक एक करके। हमने इसको एक्स्ट्रा रिड्यूसर बनाया है। एक्स्ट्रा रिड्यूसर बनाने का मकसद यही है, हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में, थंक्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये एक थंक होगा छोटा सा, फिर ये एक थंक होगा। और इसमें भी इश्यू है, पे लोड के स्पेलिंग गलत है, तो डेटा कहाँ से आएगा हमारे पास, इधर इश्यू चल रहा है। अब सही है। अगर मैं इसको अभी रिफ्रेश करूं, यहाँ पे हम लिखेंगे नाम, सर्च पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मेरे पास इमेज आ गई, ठीक है। तो मेरे पास पहला डेटा आ गया। अब यहाँ पे वापस चलो, अब बस आपने यहाँ पे डेटा ऐड करना है। आपको क्या क्या चाहिए, एक यहाँ पे H2 में ऐड करेंगे हम डेटा डॉट लॉग इन। अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट कराऊं, पहले यहाँ पे जाके चेक करो, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा इसका नाम, कि इसका एक्चुअल में नाम क्या है जिसके साथ ये लॉग इन करते हैं। एक वो आएगा, एक हमें चाहिए इनके फॉलोअर्स कितने हैं। तो यहाँ पे बस आपने प्रिंट कराना है वेरिएबल डेटा डॉट फॉलोअर्स। तो यहाँ पे फॉलोवर आ गए। अगर आपने चेक करना है फॉलोइंग कितने हैं, तो यहाँ पे आके डेटा डॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे INC लगा दो, होगा डेटा तो मिल जाएगा, नहीं तो हमारे पास जीरो काउंट होगा। देन पैराग्राफ में पब्लिक रेपोस, पब्लिक रेपोस कितनी है, तो यहाँ पे प्रिंट करा दो डेटा डॉट। पब्लिक वाली सिर्फ शो होनी है, आप प्राइवेट भी लिखेंगे तब भी आपको पता नहीं चलेगा, सिर्फ पब्लिक वाली हमें शो होती है। तो यहाँ पे पब्लिक रेपोस नाम दो इसको, तो यहाँ पे 134 कुछ है, ठीक है। बाकी जो प्राइवेट है वो शो नहीं होनी। और जे वाले जो मैं कीवर्ड लगा रही हूँ ना, जो इनकी वेबसाइट पे यूज होते हैं, आपने अपनी तरफ से नहीं लिखने, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे एंकर टैग बनाएंगे, ये हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि इसके साथ क्या होगा, जब कोई बंदा इनकी प्रोफाइल जाके चेक करना चाहता है, तो मैं यहाँ पे HTML URL टाइप करूंगी। टारगेट हम रख देंगे, टारगेट लगाने का मतलब है मुझे नेक्स्ट टैब ओपन होके वहां पे डेटा दिखे। तो क्या ओपन होगा, इसको हम नाम दे देते हैं व्यू प्रोफाइल। इसकी प्रोफाइल व्यू करनी है डेटा डॉट HTML URL, मतलब जो वहां से URL आएगा वहां पे जाना है। तो मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगी, मैं अपनी प्रोफाइल पे पहुंच जाऊंगी, ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी और दूसरे पर्सन का डेटा फेच करते हैं। अभी मैंने जहाँ पे कुछ भी ओपन किया है, किसी की भी प्रोफाइल जस्ट कॉपी करेंगे, चेक करते हैं क्या किसी और की प्रोफाइल हमें शो हो रही है। तो इसको बैक करते हैं, इनका जो नाम है बस वो कॉपी करना है, ये वाला। आप अपनी प्रोफाइल भी सर्च करके देखना, सर्च किया तो यहाँ पे देखो सेम प्रोफाइल आ गई ना। अभी इनको मैच करो, प्रोफाइल देखो सेम है मेरे पास। रेपोस टोटल कितनी है, 18 है। तो यहाँ पे इनकी रेपोस जाके चेक करेंगे तो हमें 18 ही दिखेगी टोटल रेपोस। यहाँ पे देखो रेपोस, बस ये होती है हमारे पास ईपीआई के साथ डेटा फेच करना, लेकिन विद रीडक्स। तो ये हमारा हो गया आज का टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।